गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 11:30। ये देखिए और 11:35 हो गया है। कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और अभी मैंने डिसाइड किया है कि जा रही हूं मैं आईब्रो बनवाने, थ्रेडिंग करवाने। आज धूप निकली है और थोड़ा सा मौसम खुला हुआ भी है, और आज मैं ब्लॉग थोड़ा सा लेट इसलिए शुरू कर रही हूं क्योंकि आज मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट गए हैं स्कूल। पहले प्लान बना था कि वो स्कूल नहीं जाएंगे और आज छुट्टी लेने का प्लान था, फिर अचानक से प्लान बन गया कि नई स्कूल जाना है उनको और कुछ काम आ गया, इस वजह से वो चले गए। एंड तो आज सब कुछ लेट होता गया, तो अभी तक मेरा सिर्फ नाश्ता हुआ है और कुछ भी नहीं। और आध्या भी रेडी हो गई है, इसको मैंने तैयार कर दिया है और हम लोग जा रहे हैं पार्लर थ्रेडिंग कराने, मैं अपनी। और ये तो बस ऐसे ही मेरे साथ जाएगी, इसको कहाँ छोड़ूंगी मैं, अकेले रहती हूँ ना यहाँ पर इसलिए। और फाइनली आज प्लान बन गया है जाने का, तो थ्रेडिंग हो जाएगी मेरी। पहले पहले मैं निकल लेती हूँ थ्रेडिंग करवाने के लिए, काफी ज्यादा हो गई है, बहुत दिन से सोच रही हूँ, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं प्लान कैंसिल 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 होते रहते हैं। तो 2 दिन बाद मौसम अच्छे से खुला है और धूप निकली हुई है। मैंने पहले सबसे पहले उठ मैं जैसे ही धूप निकली तो मैंने सबसे पहले सारे कपड़े उठाकर ऊपर छत पे डाल दिए हैं जिससे मेरे धूप लग जाए और अच्छे से सूख जाए। और चलिए फिर चलती हूँ पहले पार्लर और थ्रेडिंग करवा के आती हूँ, करती हूँ अधूरा काम पूरा। ओके, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जस्ट मार्केट से आ गई हूँ और मैंने अपनी थ्रेडिंग करवा ली है, देखिए। और मैं जैसे ही मार्केट से वापस आ रही थी तो मौसम फिर से बिगड़ गया है, फिर से बारिश का मौसम बन गया है। तो चलो शुक्र है कि मैं थ्रेडिंग करवा कर आ गई हूँ, नहीं तो बीच में ही बारिश होने लगती थी, फिर नहीं जा पाती, रोज की तरीके से हमारा प्लान कैंसिल होता रहता। और मैं पार्लर से लेके आई हूँ ये एक क्लिप आध्या के लिए, देखिये कैसी लग रही है मुझे जरूर बताना। और कलर्स को बहुत पसंद है और आई थिंक सारी गर्ल्स को पिंक कलर बहुत पसंद होता है, तो उसे पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैंने उसके लिए लिए, ये एक सिंगल ही लिए मैंने। और अपने लिए लिया है एक ये बिंदी का पत्ता, ये देखिए कलरफुल बिंदी है, इसमें एक एक नंग लगा हुआ है। और थोड़ी सी साइज में मैंने बड़ी ली है, और हमेशा मैं छोटी साइज की बिंदी लगाती हूँ, मैंने सोचा कि इस बार थोड़ी बड़ी ट्राई की जाए। तो ये देखिए एक मैं लगाकर दिखाती हूँ, ये वाली हटा दूं, बाद में यही छोटी वाली भी लगाऊंगी, अभी फिलहाल मैं लगा के दिखाती हूँ। चलो मैं पिंक लगाती हूँ, आध्या बैठ जाओ, ले लो, आध्या बोल रही मेरी है, ये देखिए। अच्छा ये थोड़ी बड़ी साइज मैंने बिंदी लगाई है, कैसी लग रही है? मेरे चेहरे पे छोटी बिंदी मैं हमेशा लगाती हूँ ना, घर पे माय ससुराल जाती हूँ तो ही थोड़ी बड़ी लगाती हूँ मैंने, आप देखो बड़ी लगाई है, कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि बिंदी ये छोटी अच्छी लगती है मुझे या बड़ी है ना, ये देखिए। और थ्रेडिंग भी मेरी हो गई है और स्वेटर डाल के गई थी क्योंकि बाहर ठंड है काफी, और घर से बाहर निकलो तो ठंड लगती है काफी, और घर के अंदर रहो तो थोड़ा सा कम लगता है, तो स्वेटर डाल लिया था मैंने। अब तो आध्या क्यूट, अब सबको जीभ नहीं दिखाते, अंदर करो। और अब तो आध्या क्यूट लग रही है मेरी बेबी, है ना? चलो खेलो, चलिए फिर अब लंच बना लेती हूँ, काफी टाइम हो रहा है, 12 बज गए हैं, आधे घंटे में सब कर एब्रोसेट वगैरह करा के आ गई हूँ मैं। ज्यादा दूर नहीं है, बस कुछ दूरी पर ही पार्लर है यहाँ पर, तो बस वही गई थी और थ्रेडिंग करा के अभी जस्ट आई हूँ। और चलिए अब लंच बनाती हूँ। तो फ्रेंड, जाने से पहले मैंने यहाँ पे आलू को उबाल कर रख लिया था और मैंने कुकर से निकाल कर इनको इसमें रख लिया है, अभी मैं इनको छीलूंगी। और यहाँ पर मैंने प्याज को भी बारीक से चॉप करके रख के गई थी ताकि बस आके मुझे आलू को फ्राई करना है। तो सबसे पहले मैं चलिए पहले आलू को सब्जी बना लेती हूँ। और जो मैं ये सब्जी बनाने वाली हूँ इसकी रेसिपी मैंने अपने एक ब्लॉग में शेयर की है, तो मैं वो उस व्लॉग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ सब्जी। और यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है क्योंकि आध्या बस दूध मांगने वाली है, तो इसलिए मैंने इसको दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। तो इधर दूध तब तक गर्म होता है तब तक मैं आलू वगैरह को छील लेती हूँ और आटा गूंद के रख लेती हूँ और सब्जी को छोड़ लेती हूँ।
अभी रात के बज रहे 8:30 और मैं बना रही हूँ डिनर अपने हस्बैंड की पसंद का। तो मैंने लिया है 1.5 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी बेसन और नमक और अजवाइन और लाल मिर्च पाउडर डाल के ऐड कर लिया है। मिलाने के बाद इसका मैंने एक टाइट सा डो बना दिया है जिससे मुझे बनानी है पूड़ियाँ। और यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल लिया है देसी घी करीब 4 से 5 चम्मच डाला है मैंने। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें बेसन, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा। और बेसन का हलवा अगर आप बनाएं तो उसमें घी बराबर मात्रा में लें तो ही सही है। और उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम में मैं भून लूंगी। भूनने के बाद ये जैसे ही गोल्डन हो जाएगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी। चीनी अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। चीनी को ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी गुनगुना पानी, और मैं करीब 1/2 कप गुनगुना पानी यूज कर रही हूँ। गुनगुना इसलिए ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और इसको फिर फ्लेम को तेज कर देंगे और इसको बनने देंगे। बन जाएगा ये हलवा, चिपकेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि नॉनस्टिक कढ़ाई है। तो देन हमारा हलवा बन के तैयार है। और अब मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ गर्मा गर्म, और पूड़ियाँ सेकने के बाद मैं अपनी थाली लगा लूंगी। तो ये देखिए मेरा गर्मा गर्म डिनर अच्छे से बन के तैयार है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। बज रहे हैं 9:30 और हमारा जो डिनर है वो हो गया है। और आज हस्बैंड को पूरी और मतलब बेसन और वीट फ्लावर को मिलाकर पूरी खाने का मन था उनका अचानक से, और बेसन का हलवा बनाया मैंने तो वही खाया है उन्होंने। आप लोग सोचते होंगे कि ये कैसा डिनर है, लेकिन पता नहीं अचानक से इनके मन में क्या आया कि इन्होंने सोचा कि मैं ये खाऊंगा। वैसे इनको पूरी पराठे ऑयली चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये नहीं खाते हैं। और लेकिन आज इनका मन था कि ये खाएं। आवाज आकर आ रही होगी बैकग्राउंड पे, तो कोई गाड़ी वगैरह आई है इतनी रात को, मतलब लोग बाहर से आते हैं ऑफिस वगैरह से, तो वही आई है तो उसी की आवाज आ रही होगी। एंड तो मतलब जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उससे पूछती हूँ कि साथिया क्या बनाओ आज खाने में, डिनर में क्या बनाओ, तो मतलब हमेशा कभी ना कभी कन्फ्यूजन रहता है, सबके साथ में ही होता होगा। तो उन्होंने मुझसे बोला कि काम कर, आज ना वो बेसन की पूड़ी बना दो और बेसन का हलवा बना दो। हमने कहा ये कौन सा मेल है, तो बोले कि नहीं मुझे आज मतलब मन कर रहा है कि ये खाएगा। तो कभी कभी ना हस्बैंड का मन बदल जाता है, तो आज इनका भी मन थोड़ा सा बदला हुआ था इस वजह से। कोई नहीं, कभी कभी ये टेस्ट भी लेना चाहिए, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मैंने तो पहली बार ही खाया बेसन की पूड़ियों के साथ में बेसन का हलवा, काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आप ना खाएं तो बेसन की पूड़ी और चाय ले लीजिएगा और बेसन का हलवा रख लीजिएगा साइड में, बाद में खा लीजिएगा। लेकिन मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा सा टेस्ट बदल के देखिएगा। तो काफ़ी देर हो रही है और आँखों में नींद भर गई है, दिख रहा है ना। तो सारा काम हो गया है और अब मुझको नींद आ रही है, तो चलिए करती हूँ मैं गुड नाइट। और मैं इस रूम में बैठी हूँ क्योंकि वहाँ पर सब लोग आराम, मतलब हस्बैंड बेटी दोनों लोग आराम से थोड़ी देर लेट गए हैं, अभी सोए नहीं है हालांकि। तो मतलब मैंने सोचा मैं इस वाले रूम में बैठ के इस ब्लॉग को एड कर देती हूँ। तो यहाँ लाइट थोड़ी सी कम है, इसलिए मैंने ये फेरी लाइट थोड़ी सी जला ली है। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, मुझे जान सके। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे से कमेंट्स पढ़कर और आपका फीडबैक जानकर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।